हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है। यानी कि आप लोग कमेंट्स करके क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि हमारी स्कॉलरशिप की सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगी। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्लस आपको बताएंगे अगर आपकी स्कॉलरशिप की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो आने के कितने चांसेस हैं, लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, और वो ये कि PFMS की जो वेबसाइट है यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की, वो अभी तक प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि उस पर अभी कुछ अपडेट्स किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। जब आप उसमें अपना बैंक सेलेक्ट करके अपना अकाउंट नंबर डाल के अपना सर्च पर क्लिक करेंगे, यानी कि OTP पर क्लिक करेंगे, तो वहां पर दिखाएगा कि आपका जो बैंक है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो स्कॉलरशिप की सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आ सकती है या नहीं, या फिर आपका अभी तक एक भी रुपया नहीं आया है स्कॉलरशिप का तो आने के कितने चांसेस हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग अपना PFMS का स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि PFMS पर कुछ अपडेट्स किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप PFMS एंड आधार लिंकिंग स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं, जहां पर आप लोग अपना PFMS का स्टेटस देख सकते हैं, प्लस आप लोग यहां से अपनी बैंक को भी चेक कर सकते हैं कि जो आपकी बैंक है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। तो आपको यहां पे सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी कि चेक स्कॉलरशिप स्टेटस विद बैंक अकाउंट नंबर PFMS के आगे जो क्लिक हेयर लिखा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, जैसे कि आपकी बैंक कौन सी है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, और ये वर्ड वेरिफिकेशन करके आपको सिंपली OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। अभी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, आप लोग 2 से 4 दिन वेट करिए, क्योंकि PFMS पर अपडेट्स किए जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ और आपको बताते हैं कि स्कॉलरशिप की सेकंड इंस्टॉलमेंट आने के कितने चांसेस हैं। सो गाइस, देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, और वो ये कि स्कॉलरशिप की सेकंड इंस्टॉलमेंट आने के अब काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप की एक ही इंस्टॉलमेंट नहीं आई, यानी कि उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आई ही नहीं है, सेकेंड तो दूर की बात है। ठीक है, तो अगर आपकी स्कॉलरशिप की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है और आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हैं। अगर आपका अमाउंट अंडर प्रोसेसिंग बैंक में है, यानी कि PFMS पर अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो हुआ था, तो आपका अमाउंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अदरवाइज आपकी न्यू ट्रांजैक्शन होने के अब काफी ज्यादा कम चांसेस हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या OBC के हों या फिर माइनॉरिटी के। ठीक है, अगर हम बात करें SC ST कैंडिडेट्स की, तो देखिए उनका जो स्कॉलरशिप है वो तभी आएगी अगर उनका और बजट आ जाता है। ठीक है, मगर अभी बजट से संबंधित भी कोई भी अपडेट नहीं है, यानी कि लेटेस्ट अपडेट के बजट है या खत्म हो गया या फिर और बजट आएगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर किसी न्यूज़पेपर में भी ऐसी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी है कि स्कॉलरशिप का बजट खत्म हो गया है। ठीक है, मगर जैसा कि समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक विभाग से हमें पता चला है, उन्होंने हमें यही अपडेट दी थी कि 15 अप्रैल 2021 तक स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं। आप लोग 15 अप्रैल 2021 तक वेट करिए। जिन छात्रों का अमाउंट अंडर प्रोसेसिंग बैंक में होगा, उन छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो 15 अप्रैल 2021 तक उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो आप लोग 15 अप्रैल तक वेट करिए, मगर न्यू ट्रांजैक्शन होने के काफी ज्यादा कम चांसेस हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हों। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आपके 2 या 3 अकाउंट है तो प्लीज आप लोग सभी बैंक में जाके अपनी पासबुक प्रिंट करा लिए, क्योंकि जिन छात्रों के जो अकाउंट्स थे 7 साल 8 साल 9 साल से बंद पड़े थे, उन अकाउंट्स में भी स्कॉलरशिप का बैलेंस गया है, क्योंकि वो उनका जो अकाउंट था वो आधार कार्ड के नंबर से लिंक था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।